अब जितने लोगों को हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनको हम एक ऑक्सीमीटर भी अब 2-3 दिन में हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी दे देंगे। उससे क्या होगा? कोरोना में केवल और केवल एक चीज होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल कोरोना में डाउन हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज सुनील वर्मा, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, ये पूरी क्लिप भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप देखेंगे। सो यहाँ पे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, COVID-19 के पेशेंट हैं, उन्हें ये मशीन वो प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। सो दोस्तों, वो वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूँ, ताकि आप वो पूरी क्लिप देख सकें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है, क्योंकि आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये कि ये जो छोटी सी चीज़ है किस तरह COVID-19 में आपकी हेल्प कर सकती है, और इस मशीन का इतना ज़्यादा रोल क्यों है COVID-19 के अंदर, ठीक है। सो दोस्तों, ये जो छोटी सी मशीन है ये कहलाती है ऑक्सीमीटर, जिसका काम है आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है उसे मेज़र करना, ठीक है। और COVID-19 की जो मेन प्रॉब्लम है वो यही होती है, उसके अंदर आपके जो लंग्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो जाता है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप अपनी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेज़र कर सकें। जैसे कि मैं बातों में आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, इस बटन को दबाना होता है, इसके बाद ये मशीन ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद में आपकी जो मिडिल फिंगर होती है उसके अंदर इसको ऐसे लगाना होता है, 15-20 सेकेंड के अंदर ये जो मशीन है रिज़ल्ट बता देती है। जैसे कि मेरा फिटनेस सेंटर है, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सबसे पहले मैं उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करता हूँ, उसी के बाद मैं उन्हें एंट्री देता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल मेरा 98 आ रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है वो होता है करीब 95 से 99 के बीच में, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, जनरली 97, 98, 99 होता है, और बीच में मुझे आ गया था फीवर, तो उस टाइम पर मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो चला गया था करीब 92-95 के बीच में। सो यहाँ पे अगर 90 तक भी होता है तब भी नॉर्मल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इस मशीन के अंदर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, अगर वो 70 है, 75 है, 80 है, और 90 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे समझ में आता है कि आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स तक ठीक तक नहीं पहुँच पा रही है, और आपको COVID-19 होने की संभावना होती है, ठीक है। सो इतना ही काम होता है इस मशीन का, और मेरे हिसाब से जो मशीन है हर घर में होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मशीन है मैंने ली थी करीब 700 रुपीज़ में, जब जिम ओपन हुए थे करीब 8-10 महीने पहले, और उस टाइम पे बीच में ये जो मशीन थी करीब मान लीजिए 500-600 रुपये में भी मिलने लग गई थी, 400-500 रुपये में भी। लेकिन जैसे जैसे अभी COVID-19 की जो सेकेंड लहर आई है, तो उसके बाद से ये मशीन थोड़ी मार्केट से गायब हो चुकी है, क्योंकि कल ही मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है जो कि डॉक्टर है, उसका फ़ोन आया मेरे पास में, उसने कहा कि भाई मुझे ऑक्सीमीटर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अरेंज करा देता हूँ। तो मैंने जिनसे लिया था, जो कि सप्लायर है, तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो दो सप्लायर थे, दोनों ने मना कर दिया। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर वाले हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ऑक्सीमीटर चाहिए, उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि भई आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी देखा था अमेज़न फ्लिपकार्ट पे करीब 500-550 में अवेलेबल था। तो उसने कहा कि भैया ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं खुद गया अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, तो जितनी भी सस्ती मशीन थी जो कि 500 से 1500 रुपये के आसपास थी, वो सारी आउट ऑफ स्टॉक है, और इससे पता चल रहा है कि इसकी अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रही है। मैंने मतलब कहने का मतलब है, जो सस्ती वाली मशीनें थी वो अभी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, अब जो कॉस्टली वाली जो ब्रांडेड मशीन है वही है। तो मेरे हिसाब से मशीन चाहे कितनी महंगी हो, चाहे 1500 की हो, 2000 की हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मशीन आपके पास में होनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेरे घर में बहुत काम आती है मशीन, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ज़रूरी है इस छोटी सी मशीन का होना। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, मैंने बहुत सी मशीनें देखी है जो कि गलत रीडिंग देती है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिससे कि आप इस मशीन को चेक कर सकते हैं कि यह मशीन ठीक से काम भी कर रही है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, ताकि आपको ये मशीन खरीदने में आसानी हो, और मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास कोई मेडिकल स्टोर हो तो आप वहाँ से इस मशीन को ले लीजिए, चेक कर लीजिए कि ठीक से काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। अगर न मिले तो ट्राई कीजिए कहीं और, तब भी ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन खरीदिए, चाहे 1500 की मिले, चाहे 2000 की मिले, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत काम आएगी,
और सभी के लिए ज़रूरी है फिलहाल, तो आगे भी जाकर हमेशा काम आएगी, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो इसी मीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें फिर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।